ये पटना के डीएम हैं, जो सड़कों पर लोगों से सवाल कर रहे हैं, मिल रहे हैं, बातें कर रहे हैं। पटना हाईकोर्ट के आदेश के बाद बिहार में जातीय गणना का कार्य फिर से शुरू हो गया है। बिहार की राजधानी पटना के वार्ड नंबर 10 में जातीय गणना का कार्य का निरीक्षण करने पटना के डीएम चंद्रशेखर सिंह अचानक पहुंचे। डीएम साहब घरों में घूम घूम गणना करने वाले लोगों से बात करते हैं। हाईकोर्ट के फैसले के बाद एक बार फिर से जातीय गणना शुरू कर दी गई है। स्थानीय निवासी मंजू कुमारी से जब जाति पूछी गई तो देखिए उन्होंने क्या कुछ कहा। हाँ, ये लोग मेरा जाति पूछी, मेरे घर का हो चुका था, मेरा ही बाकी था, मैं उस दिन यहाँ नहीं थी, तो ही आज आई है तो मेरे जानकारी ली, सब पूरा हो गया। ये तो मुझे जानकारी नहीं है, मैं नहीं बता सकती। नहीं, ये मैं नहीं कर सकती, ये इस निर्णय मेरे को नहीं आता है करने। हाँ, मैं सरकारी कर्मचारी थी, प्रॉब्लम होता था किसी का जाति पूछने में, तो इसलिए मुझे ये अच्छा नहीं लगता है। नहीं, हमको ये नहीं छोड़ा, बिना भेदभाव के सबके साथ न्याय हो वो सही होता है। जाति जान के आप किसी को कोई प्रिविलेजेस दें वो सही नहीं है। पटना जिले में 13,69,000 परिवार हैं। अभी तक 9,35,000 परिवार का सर्वेक्षण हो चुका है, लगभग 4,00,000 परिवारों का सर्वेक्षण होना है। डीएम चंद्रशेखर से जब अचानक पहुंचकर इस काम को देखने के बारे में पूछा गया तो देखिए उन्होंने क्या कुछ जवाब दिया। ये जाति आधारित गणना जो शुरुआत हुई थी, बीच में रोक लग गई थी माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के अनुसार, और अभी फिर से आज से शुरू हो रही है, तो हम लोग पूरे जिले में आज से शुरू कर रहे हैं फिर से, और उस क्रम में सभी वरीय पदाधिकारी जो हैं विभिन्न प्रखंडों में जो हमारे चार्ज हैं, यूनिट बनी है, वहाँ गए हैं निरीक्षण के लिए। हम लोग भी आज यहाँ हैं फुलवारी शरीफ में, फुलवारी शरीफ नगर परिषद के अधीन जो वार्ड नंबर 10 में जनगणना कार्य का निरीक्षण अभी हमने किया है। और जब गणना पर रोक लगी थी उस समय सभी जो प्रपत्र थे जमा करा लिए गए थे प्रखंड कार्यालय में और नगर परिषद कार्यालय में, आज सुबह से उसको वितरित किया गया है, सभी पर्यवेक्षक और प्रगणक को वापस वितरित किया गया है, और अभी ये दोपहर में शुरू हुई है गणना और हम लोग देख रहे हैं यहाँ पर। और इसको हम लोग हमारे ज़िले में जो डाटा है उसकी अगर हम लोग बात करें तो लगभग 13,69,000 परिवार है पटना ज़िले में, और हम लोग लगभग 9,35,000 परिवारों का सर्वेक्षण कर चुके थे जो पहले चल रहा था जब रोक लगी, तो लगभग 4,00,000 परिवारों का अभी बचा हुआ है, जिसको हम लोगों का लक्ष्य है कि एक सप्ताह के अंदर हम लोग इसका सर्वेक्षण कर लेंगे। पटना डीएम चंद्रशेखर सिंह काफी एक्टिव रहते हैं और जातीय गणना के शुरू होने पर खुद पहुंचकर ये बता रहे हैं कि सरकार इसको लेकर कितना एक्टिव है। पटना से सुजित गुप्ता की रिपोर्ट, बिहार तक।